डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th मैथ एक्सरसाइज 8.2 के सम करेंगे 9th एंड 10th। 9th सम स्टूडेंट्स, मीता सेव्स आरएस 400 फ्रॉम हर सैलरी। मीता अपने वेतन में से 400 रुपीज बचाती है। इफ दिस इज 10% ऑफ हर सैलरी, यदि यह उसकी सैलरी का 10% हो, क्या 400 है जो उसकी सैलरी का 10% हो, व्हाट इज हर सैलरी, तो उसकी सैलरी क्या है, यह हमने इसमें निकालना है। तो जो निकालना है वो स्पोज करना पड़ेगा, इसमें स्पोज मीताज सैलरी इक्वल टू एक्स। सी सेव्स फ्रॉम हर सैलरी। अब ये वह अपनी सैलरी में से जितना बचाती है, कितना बचाती है, एक तो है 10% ऑफ हर सैलरी, सैलरी कितनी है एक्स, और उसका 10% वो सेव करती है, 10% ऑफ एक्स हो गया तो, और एक्चुअल में बचाती कितना है 400। तो ये दोनों बातें इक्वल लिखनी है हमें, आर एस 400, क्योंकि दोनों ही बातें स्टेटमेंट में बोली गई है। एक तो बोला गया है कि वो उसकी अपनी सैलरी का 10% सेव करती है, और एक बोला गया है कि वो 400 सेव करती है अपनी सैलरी का। इन दोनों को हमने इक्वल रख दिया, क्यों रखा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसको हम लिखेंगे 10/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 400, एक्स इक्वल टू 400 डिवाइड 10/100, और एक्स इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई 100 बाई 10, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, 400 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आर एस 4000। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 4000, जो हमने सपोज किया था वो हमने नीचे लिखना है। सो मीताज सैलरी इक्वल टू आर एस 4000। ये 9th सम हो गया स्टूडेंट्स, अभी 10th सम करते हैं। 10th सम स्टूडेंट्स, ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन। एक स्थानीय क्रिकेट टीम में एक सीजन में 20 मैच खेली। इट वॉन 25% ऑफ ए, वह उनका 25% जीती। हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, वे कितने मैच जीती। तो हम लिखेंगे ए लोकल क्रिकेट टीम प्लेड मैचेस इन वन सीजन इक्वल टू 20। परसेंटेज ऑफ देयर वन 25%, उनके जीतने की परसेंटेज 25%। फिर पूछा हाउ मेनी मैचेस डिड दे विन, सो नंबर ऑफ मैचेस दे वन इक्वल टू 25% ऑफ 20, जो टोटल मैच के लिए उनका 25% उन्होंने जीते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं 25% ऑफ है जो भी टोटल मैच खेले। 25/100 मल्टीप्लाई 20, 20 बन जा 20, 25 जा 100, और 5 बन जा 5, 5 जा 25,
5 मैचेस उन्होंने जीते। तो स्टूडेंट्स ये अपना 10th सम कंप्लीट हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 भी फिनिश हो गई।